हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का 2015 बीएचयू का पेपर। ठीक है, किसी क्वेश्चन का वो डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन जाकर जरूर बताएं। ठीक है, इस पेपर में काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर जो विद्यार्थी हैं या बायो के विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट हो, बीएचयू, आईएसआर, किसी के लिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक नेचर का जो ऑर्गेनिक जो आपका फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है वो यहाँ पर यूरिया है, क्योंकि यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कंपाउंड ऐसा था जो यूरिया था, होलर ने बनाया था, और किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चंस। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर फर्स्ट एपियर। ठीक है, सल्फर कमी का लक्षण सबसे पहले किस में दिखाई देता है, तो यंगर लीफ में आंसर होगा यहाँ पर आपका पहला सही। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द क्रॉप हैविंग डीप रूट सिस्टम, मतलब सबसे गहरी जड़ों वाला यहाँ पर जो है पेयर कौन सा है। ठीक है, जिसमें गहरी जड़ें होती हैं, देखिए धान में भी काफ़ी ऊपर होती हैं, गेहूं में, मक्के में काफ़ी ऊपर होती हैं। ठीक है, शुगर केन, सनफ्लावर, कास्टर आंसर यहाँ पर होगा सेकंड सही। बाद बाकी आप देख सकते हैं हर किसी में, टोबैको टमाटर में ऊपर रखी रहती हैं, तम्बाकू में, और पपाया में भी ऊपर होती हैं, ऑनियन, प्याज, गार्लिक सभी ऊपर होती है, लेकिन आंसर यहाँ पर होगा हमारा सेकेंड सही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। पीएच वैल्यू ऑफ सेलाइन एल्केली सॉइल विल बी। ठीक है, तो 8.5 से कम होती है पीएच, लवणीय अम्लीय मृदा का पीएच जो होता है वो 8.5 से कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका समांतर माप यानी अर्थमेटिक मीन, आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल आर 20 और 35 रिस्पेक्टिवली, देन द मिड पॉइंट ऑफ क्लास विल बी। यदि एक वर्ग अंतराल की न्यूनतम अधिकतम सीमा क्रमशः 20-35 हो तो वर्ग मध्य बिंदु वहां पर क्या होगा, तो आंसर होगा 27.5। ठीक है, अब अगला देखते हैं गुआवा। ठीक है, आम अमरूद की यहाँ फैमिली क्या है, तो ये इसकी फैमिली होती है मिर्टेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, विटामिन सी का स्रोत क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है चिली यानी मिर्च होता है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। अगला देखते हैं अच्छा क्वेश्चन से, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, टेलीविजन का प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1957 में, आंसर होगा तीसरा सही। अगला देखेंगे हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, आंसर होगा यहाँ पर पहला सही। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द इंडिया, तो जीबी पंत थी पंतनगर में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आईसीआर में भी। ठीक है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वो पहली यूनिवर्सिटी है पूरे आईसीआर के अकॉर्डिंग पूरे देश में। अब अगला क्वेश्चन है, वीट इज ए क्रॉप ड्यूरिंग, ठीक है, गेहूं किस मौसम की फसल है, तो ये रबी की फसल है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ पोलिनेशन इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर इनब्रीडिंग का एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है इनब्रीडिंग फॉर्म। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, यानी हैप्लॉइड ऑफ भीट, तो आंसर होगा यहाँ पर 7। टोटल पहुँचता है तो यहाँ पर होता 14, चूंकि ये नंबर एन का है तो 2n कितना हो जाता है यहाँ पर 14। अगला क्वेश्चन है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है सभी को पता है, फादर ऑफ इंडियन पूछा है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जमुनापारी इज ए ब्रीड ऑफ, जमुनापारी निम्न की किसकी वैरायटी है, तो ये जमुनापारी क्या होती है, बकरी होती है। ठीक है, गोट। अगला है डॉट डॉट ब्रीड ऑफ बफेलो, भैंस की वैरायटी यहाँ पर क्या है, तो जाफराबादी जो है वो एक भैंस की वैरायटी होती है, आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन 2019 अभी आया था आईसीआर में 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ है आपका, करनाल, ठीक है, हरियाणा में करनाल फर्स्ट आंसर है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है ये। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट वेजिटेबल कल्टिवेशन, तो ये होगा आपका यहाँ पर सैंडी सॉइल, ठीक है सैंडी सॉइल। रिपीट क्वेश्चन है सैंडी सॉइल वाला। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो होगा एडम्स स्मिथ, ठीक है एडम्स स्मिथ, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुइटेबली ग्रोन एज ए मिक्स्ड क्रॉप विद द वीट, मतलब गेहूं के साथ कौन सी फसल मिला करके बोई जाती है। आपको पता है गांव में जब गेहूं बोए जाते हैं तो वहां पर मस्टर्ड भी साथ में बो देते हैं। आंसर होगा यहां पर सरसों, सही ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब बोलते हैं नगदी फसल कौन सी नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा इसमें नगदी फसल में शुगर कैन भी है, कॉटन भी है, ग्राउंडनट, तो आपकी आंसर होगा यहाँ पर बीट, चूंकि ये क्या है ये एक रबी फसल है, ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा चौथा सही। अगला क्वेश्चन से विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रबर, जो है लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका केरला सही, ठीक है तो रबर जो है सबसे ना कहाँ उगाई जाती है आपकी जो है केरला में, ठीक है केरला जो है सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूसर एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका नाम, ठीक है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड तो कोई नहीं है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, आंसर तीसरा सही है और ये हिंदी में जो है देखिएगा यहाँ पर सही लिख रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला होता है N2O, ठीक है केमिकल नाम अगर पूछे तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस गैस हंसाने वाली गैस का नाम है ये। अगला क्वेश्चन है लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाई, ठीक है तो ये जो है प्रयोगशाला से जमीन तक कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, ICAR, ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वेटिक थैलोफाइट, ठीक है इसमें एल्गी का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर होगा आपका फाइकोलॉजी सही, ठीक है थैलोफाइट मतलब जड़ विहीन जो होते हैं वो किस में आते हैं आपके थैलोफाइटम, जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, एल्गी आते हैं और वो आपका स्टडी करते हैं वहाँ पर फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सब सेलुलर कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाई मीन्स ऑफ, ठीक है मतलब जो है सह कोशिकाएं घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो है इसमें डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन, ठीक है आंसर होगा आपका चौथा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 128 अकरेंस ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन सेम प्लांट इज नॉन एज, ठीक है दो या अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें भिन्न पर्णीय, ठीक है भिन्न पर्णीय। अब 129 नंबर देखते हैं, मोस्ट म्यूटेबल वायरस, ठीक है तो मोस्ट म्यूटेबल वायरस जो है वो HIV वायरस होता है, सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने वाला जो है क्या है यहाँ पर म्यूटेबल वायरस HIV वायरस है। 130 नंबर देखते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस जब अटैक करता बैक्टीरिया पर तो क्या कहलाता है, यानी वायरस अटैक ऑन द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, आंसर होगा फर्स्ट सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिश्यू बियरिंग डेड सेल्स, ठीक है अजीवित कोशिकाधारी ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जाइलम, ठीक है टिश्यू बियरिंग डेड सेल्स को बोलते हैं जाइलम, तीसरा आंसर सही। अगला है 132, पॉट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश ग्रेप श्रिंक, ठीक है मतलब ताज़ा अंगूर जो है वो सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पर साल्टी सोल्यूशन होगा, ठीक है साल्टी सोल्यूशन किसके साथ रखने पर अंगूर जो है सिकुड़ जाते हैं, तो कैसा होगा वो लबड़ी बिलियन होगा एक साल्टी सोल्यूशन। अगला है 133 नंबर, मेंडल डिड नॉट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मेंडल ने किस पर जो है वर्क नहीं किया था, ये क्वेश्चन आपका ICAR में भी आ चुका है, ठीक है तो यहाँ पर प्लांट हाइट ऑफ पी इस पर था, ठीक है सी कलर भी कलर पर भी था, पॉड नंबर पर भी था, यहाँ पर पॉड के साइज पर नहीं था, आंसर होगा चौथा सही, यहाँ पर आंसर होगा चौथा सही, ठीक है इसमें साइज पर नहीं था, कोई अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल क्या है? तो एप्पल जो है सेब है, ये क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, एक असत्य फल है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इज द ओनली फर्टिलाइजर अंडर सैचुरिटी प्राइस कंट्रोल, ठीक है, निम्नलिखित उर्वरकों में कौन सा उर्वरक विविधा मूल नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर होगा आपका यूरिया, सही, ठीक है, आंसर होगा तीसरा सही। अब देखते हैं 136 क्वेश्चन नंबर, 36 क्वेश्चन नंबर में है, केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है प्लांट का जो है फेसेस के एक जीन को निकाल करके उसको जोड़ करके, आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, इम्प्रूविंग ए प्लांट विद एडिशन ऑफ ए यूजफुल जीन फ्रॉम द फेसेस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी अभियंत्रिकी, ठीक है, मछली से पाई गई आनुवंशिकी की एक खास मूल भौतिक इकाई को जोड़कर किसी पौधे गुणों का विकास किया जाता है। हम लोग देखते हैं बीटी कॉटन, व्हाट इज द वीटी कॉटन? तो वीटी कॉटन क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन, आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, तीसरा सही, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसमें ये क्वेश्चन आयशा रिपीट होने वाले हैं। इन विच फील्ड वाज नोबल प्राइज कन्फर्म अपॉन द नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये नॉर्मन ई बोरलॉग को निम्न किस विषय हेतु नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जो है अमन और शांति के लिए, तीसरा सही, ठीक है, तीसरा आंसर होगा पीस, अमन और शांति के लिए, ठीक है, चूंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो यहाँ पर होगा आपको आंसर तीसरा सही। चौथा क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से, जी एम ओ स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, जी एम ओ रिपीट स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आंसर है यहाँ पर पहला सही। अगला देखते हैं सेल थ्योरी, ये बायो क्वेश्चन है, ठीक है, बॉटनी का स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है, स्लाइडन यहाँ पर बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो क्या है यहाँ पर आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिकली ड्वेल टूगेदर टू फॉर्म लाइकेन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो लाइकेन स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन बनाते हैं? तो एल्कियन फंजाई, आंसर होगा तीसरा सही, ठीक है, एल्गियन फंजाई। अगला क्वेश्चन से, ट्रिप्सिन बेसिकली क्या है? ट्रिप्सिन क्या होता है? तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन से, कौन सा इसमें C4 प्लांट नहीं है? देखिए मोनोकॉट में जो है आपके वो इसमें मक्का भी है, ठीक है, और सोरगम भी है, इसमें शुगर कैन भी है, लेकिन धान यहाँ पर जो है C4 प्लांट नहीं है, ठीक है, यहाँ पूछा गया कई बार कि C4 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके तीनों C4 हैं, लेकिन जो दूसरा आंसर है वो C4 प्लांट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज फिक्सिस नाइट्रोजन इन साइड द लेग्यूमिनस प्लांट रूट, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका आंसर राइजोबियम, तो राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ दीज इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, जीवाणु को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यहाँ पर जीवाणु जो होगा वो सल्मोनेला होगा, माइक्रोब्स में क्या आएगा यहाँ पर? सल्मोनेला होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से हमारा, वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ठीक है, जो इंटरनेशनल राइस का सेंटर वो कहाँ पर है? मनीला में है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन का वीडियो हम दे चुके हैं, मनीला में है ये। अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है, इसमें कौन सा जो है रीढ़धारी जंतु है, वर्टिब्रेट है? तो यहाँ पर है आपका प्राउन, स्नेक, मॉस्किटो और ऑक्टोपस, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्नेक, ठीक है, स्नेक, रेप्टाइल्स। अगला है, लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट अबाउट, ठीक है, जो रुधिर पट्टक होते हैं उसमें ब्लड प्लेटलेट है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो यहाँ पर होगा 10 से 12 दिन, तीसरा आंसर सही। अगला क्वेश्चन से,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रूव टू मोस्ट यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी। ठीक है, इसमें जेनेटिक स्टडी इंजीनियरिंग स्टडी में इसमें किसका यूजफुल किया गया था सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर होगा आपका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया गया था वो है यहाँ पर एसरसिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई आंसर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार बायो ग्रुप में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है BHU 2015 के कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में फिर हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी ही। आज के लिए यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।